बलूची से खाऊंगी, बलूची खुराक है ये सर, ये इसके बगैर बलूच का खाना ही अधूरा है सब्जी के बगैर। सब्जी का काम हम तकरीबन 1967 से कर रहे हैं, तकरीबन 55-56 साल हो गया। खैर से हमारे दादा ने दुकान की बुनियाद बकरे के तकरीबन जितना छोटा नाजुक बकरा होगा 7 से 8 किलो वाला, तो उसका अच्छा गोश्त बन सब्जी बनता है। बाकी चिकन नॉर्मल तकरीबन 1.5 किलो का होता है, और बकरे के जो सबसे लजीज गोश्त है और उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो कुट है, कमर है, उसमें चर्बी थोड़ी ज़्यादा होती है। तैयार करने का तो खैर सिंपल तरीका है, शुरू में तकरीबन नमक लगाते हैं और तकरीबन 3 घंटे तक ये सिर्फ और सिर्फ नमक में लगा रहता है। उसके अलावा उसके बाद हम आग जलाते हैं, और उसके लिए खास लकड़ी ये कीकर की लकड़ी और शीने की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं जलाने पकाने के लिए, जिसका कोयला अंगार ज़्यादा चाहिए। और तकरीबन उसके बाद फिर सब्जी को लगा देते हैं हम यहीं पर आग पे, और 2.5 से 3 घंटे तक गोश्त का है और मुर्गी आधा घंटे का फर्क होगा, तकरीबन 2.5 घंटे तक मुर्गी भी तैयार हो जाए। जी हाँ, लोग बहुत ज़्यादा घरों पर लेके जाते हैं। आजकल हमारा कोयटा थोड़ा लोगों के घर छोटे हो गए हैं, पहले तो बड़े थे, तो लिहाजा तैयार यहाँ से लेके जाते हैं, और उनका दस्तरखान की जीनत है सजी तकरीबन तमाम कोयटा में, बलोचों की या पश्चिम की। मुर्गी का है तकरीबन 1.5 किलो का है और 1300 रुपये का हम बेचते हैं। बाकी चिकन मटन है 1 किलो का 2500 रुपये में बेचते हैं। अंगार के ऊपर गैस का तपिश अलग है और कोयले का एक अपना जायका है, कोयले का एक अपना तपिश है, तो कोयले पे ज़्यादा मज़ा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में बाहर के कमोबेश पूरे साल में हो जाएंगे एक 5000 लोग तकरीबन बाहर के कम से कम।